नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जरा सोचिए, बेटे की उपलब्धि पर पिता को सम्मानित किया जाए, यह पल जितना खुशी देगा उससे कहीं ज्यादा किसी भी पिता को भावुक कर देगा। और यह हुआ संत मरियम आवासीय विद्यालय में। बेटे की उपलब्धि पर जब पिता को सम्मान दिया गया तो पिता द्रवित हो, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आज की यह खबर उन सभी अभिभावकों के लिए भी जरूरी है जो अपने बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का दबाव डालते हैं। आज के युग में सभी क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं हैं, और इसे साबित कर दिखाया है पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पालहे गांव के रहने वाले आयुष ने। महज 19 वर्ष की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक मुकाम हासिल कर लिया। शुरू से ही आयुष की पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। छठी क्लास से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले आयुष ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मेरे पिताजी अभी थोड़े भावुक हो गए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये मंच पर आके कभी ये कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि एक ऐसा समय था कि मैं कुछ कुछ बदमाशियां कर देता था कि मुझे स्टेज पे लाकर पीटा जाता था। और एक आज ऐसा समय है कि मैं स्टेज पे मुझे आके अविनाश भैया और आप लोग जैसे महान स्टूडेंट एंड टीचर लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं, इस काबिल समझे। पहली बात तो 10वीं तक की पढ़ाई मैंने यहाँ से की। उसके बाद मैंने 10th से मुझे पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, तो मुझे फोटोग्राफी में मैं 6वीं क्लास से फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा 10th तक मैं घिसते मैं डिप्लोमा किया। उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई होती रहेगी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम पुणे MIT। तो जो मेरी 6वीं से स्टार्ट रही फोटोग्राफी, शायद आप लोग को अविनाश भैया को सिर्फ पता है। मैं नौवीं में मुझे गवर्नर से अवार्ड मिला था। एक काउंसिल ने एग्जीबिशन कराई थी जिसमें मैं इन द होल झारखंड में फर्स्ट रनअप रहा था। मुझे गवर्नर ने मुझे प्राइज दिया था। आयुष की सफलता पर उन्हें तरासने वाले जौहरी संत मरियम आवासीय विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने आयुष को विद्यालय में बुलाकर सम्मानित किया और छात्रों को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। देखिए, आज मैं जब डीडी मॉर्निंग न्यूज को देखा और तो बहुत खुशी हुई कि आयुष का इंटरव्यू चल रहा था। उसमें आयुष ही करने वाला लड़का है पाले का, और मेरे स्कूल का विद्यार्थी रहा है। और जब उसके बारे में जाने कि अच्छा फोटोग्राफर है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर में उसका आसपास स्थान मिला हुआ है, तो काफ़ी खुशी हुई। और मुझको लगा कि मेहनत बच्चों को कामयाबी तक पहुँचाता है। और सेंट मरियम स्कूल हमेशा प्रयास रहा है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या संगीत का क्षेत्र हो, हर तरह के जो बच्चे में जो प्रतिभा है उसके प्लेटफॉर्म देने का हमने काम किया है। और मैं कोशिश है और मेरी शुभकामना है कि आयुष इस तरह से आगे बढ़े और अपने राज्य का, अपने देश का नाम को रोशन करें। देखिए, हमारा तो मानना है कि बच्चों को किसी विषय पर दबाव नहीं देना चाहिए कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो। अगर उसकी इच्छा कुछ और है तो उसमें उसको मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि बच्चा खेल के क्षेत्र में नाम रोशन कर सकता है, संगीत के क्षेत्र में रोशन कर सकता है। आज आयुष ने इससे वर्ल्ड फोटोग्राफर में अपना नाम रोशन किया, मम्मी पापा का, स्कूल का, ताकि बहुत मेहनती लड़का शुरू से ही था और अपने अलग हुनर इसके पास था। और ये पढ़ाई के प्रति उतना उसको नहीं था, लेकिन फिर भी वो दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता था और उसको मदद मिला। तो मैं उनके पापा मम्मी को आभारी हूँ और मैं उसको शुभकामना देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और इसमें जितना आप कितना हासिल कर सकते हैं करें, हम लोग आपके साथ।